हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम एंड एससीएफ पढ़ने वाले हैं। इसे आज पढ़ने के बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एससीएम और एससीएफ होता क्या है। तो इसे जानने से पहले, जैसे से हमें सबसे पहले एससीएफ जानना है, तो उससे पहले हम फैक्टर पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है। जो फैक्टर होता है कि फैक्टर क्या होता है, जैसे सपोज़ करो 36 है, 36 नंबर को, इस 36 को जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी वो इसके फैक्टर होंगे। मतलब 36 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, 36 6 से डिवाइड हो जाएगा, 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, 36 12 से डिवाइड हो जाएगा, 36 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स होंगे। अब अगर सपोज़ करो हम 24 लें, 24 के फैक्टर मतलब कि 24 जिससे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर 36 था, ये 36 खुद से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 36 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 24 है, 24 के फैक्टर निकाल लें तो वही कि 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 24 2 से हो सकता है, 24 4 से हो सकता है, 24 8 से हो सकता है, 24 3 से भी हो सकता है, 24 6 से भी हो सकता है, 24 12 से भी हो सकता है, और भी कोई हो। तो यहाँ पर 36 के हमने देखे फैक्टर, मतलब जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। यहाँ 36 को जब देखते हैं तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब फैक्टर ये है तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा फैक्टर क्लियर हो जाता है। सेकंड नंबर कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है। अभी दो नंबर को ले लेते हैं। इन नंबर्स में अगर हम देखें, जो 2 है वो इसमें भी और इसमें भी, मतलब 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 को कॉमन फैक्टर कहेंगे 36 और 24 का। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 18 से 36 तो हो जाएगा, लेकिन ये 24 नहीं होगा। जब 24 नहीं होगा तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 18 कॉमन फैक्टर नहीं है 36 और 24 का। अब 12 से भी डिवाइड हो जाएगा ये वाला। इसी तरह से जो 9 है, 9 से 36 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 24 नहीं होगा, इसलिए 9 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर जो हुए वो यहाँ पर 2, 4, 6 और 12, ये इस तरह से हुए हैं। 36 नहीं होगा, इसका 24 भी आ सकता था फैक्टर, यहाँ पर 24 भी आ सकता था क्योंकि वो खुद से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो 8 है, 8 से 36 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ 36 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पर सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, और सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 12 है। यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन फैक्टर वो 2 और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो 12। 12 मतलब सबसे बड़ा, मतलब हाईएस्ट, तो इसीलिए यहाँ से आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और बड़ी हो, सबसे बड़ी। यहाँ से कॉमन फैक्टर हमने देखे तो ये सबसे बड़ी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगी, और इसे शॉर्ट में HCF बोलते हैं। तो HCF का रियल मीनिंग ये होता है कि वो बड़ी से बड़ी नंबर जो किन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के मेथड जो होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजर या डिवीजन मेथड होता है। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम देखें, अभी 36 था और एक 24 था, हमें इनों का HCF निकालना है। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर मतलब जो नंबर खुद के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड ना हो, जैसे 2 है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 से ये वाले डिवाइड हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखना है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करता है, 2 से, फिर 3 से,
फोर से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर फोर से डिवाइड होगी वो टू से भी हो जाएगी, तो इसलिए फोर से नहीं करेंगे। तो फिर फाइव से करके देखेंगे, फिर सेवन से, सिक्स जो है वो थ्री और उसका है, तो फिर उसके बाद सेवन के बाद जो प्राइम नंबर हो इलेवन, इस तरह से, फिर थर्टीन, फिर उसके बाद सेवनटीन, फिर 19, तो इन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी से, और जब तक डिवाइड करते रहेंगे टू से, कि जब तक डिवाइड ये कम्प्लीटली होता रहे। अब टू से डिविजिबिलिटी की पहचान होती है कि जिसके बाद में 0, 4, 6, 2, 8 ये वाली नंबर्स आती हैं, मतलब इवन नंबर सारी टू से डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर टू से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी 2 से कट जाएगा, 2 निम 18, 2 छक्का 12, 2 से कट जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, ये एलसीएम के लिए होता है। यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया, अब 18, मतलब पहले हमने 2 से ये वाला डिवाइड करा और इससे ये वाला डिवाइड करा, तो जहाँ तक दो किसी कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कॉमन फैक्टर से डिवाइड होंगे, वहाँ तक करेंगे। अब ये वाले जो नंबर्स हैं 2 से हमने डिवाइड करे, तो ये 9 आया, और ये 2 से डिवाइड करा 6 आया। अब ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगी, जब 2 से डिवाइड नहीं होगी तो इसलिए 2 को छोड़ देंगे, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 ये और ये भी दोनों कट जाएंगे। तो 3 से जब करेंगे तो यहाँ से इसका 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, इसके बाद ये कॉमन नंबर कोई भी नहीं होगी जिससे डिवाइड हो जाए। तो ये जो नंबर्स आएंगे इनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यही एच सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से 3 2 6 2 12 जो हमारा अभी आया था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 12 होगा, और वो हाईएस्ट नंबर होती है जो किन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले हमने फैक्टर पढ़ा, फिर कॉमन फैक्टर पढ़ा, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा। तो इससे हमारे ये बेसिक क्लियर हो जाते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरा, ये फैक्टराइजेशन मेथड था। एक डिवीजन मेथड होता है जिससे 24 और 36 का ही हमें 24 और 36 इसका हमें एस सी एफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे, डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जैसे एक 24 है और एक 36, तो सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 36 को। तो यहाँ से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 24 बन जा 24 आएगा। अब इसे सबट्रैक करेंगे, सबट्रैक करने पर यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 1 आया। ये रिमाइंडर जो है, इससे जो डिवाइजर था उसी को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर है रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे डिवाइजर को, और जब तक डिवाइड कर देंगे जब तक रिमाइंडर फिर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर ये आया, अब इससे दोबारा डिवाइजर 24 को डिवाइड करेंगे, तो कितने बार गया, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम जो डिवाइजर होगा, यहाँ पर इस लास्ट 0 आया, तो इस टाइम जो डिवाइजर था वही इसका एच सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एच सी एफ आ गया वो 12 आ गया। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है डिवाइजर से। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे हमें 24 और 36 का एच सी एफ निकालना था, तो सबसे छोटी नंबर, इन दोनों में छोटी नंबर 24 है, बड़ी नंबर 36, तो 36 को डिवाइड करेंगे 24 से। यहाँ हमने डिवाइड करा, 1 बार गया, 24 आया, सबट्रैक करा, ये रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर से दोबारा डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार गया और कम्प्लीटली कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम डिवाइजर जो होगा वही एच सी एफ होगा। तो यहाँ पर 12 इसका एच सी एफ हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करके देखना, तो ये यहाँ से तुम्हारे क्लियर हो जाएगा इसके बेसिक कंसेप्ट। आगे मल्टीपल क्या होता है। जस्ट सपोज करो हमारा 5 है, इस 5 में किसी की भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगी वो इसका मल्टीपल होगा। मतलब जैसे 5 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ 10, 5 में 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 15, 5 में 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 20, तो ये सब मल्टीपल हैं। मतलब 20 इज मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। ये कुछ इस तरह का हो गया, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि 24 है,
24 के फैक्टर आए थे 2, 3, इस तरह से 6 आए थे। तो ये 24 के फैक्टर हैं ये वाले, लेकिन 24 क्या है इनों का मल्टीपल, तो उल्टा हो गया यहाँ से, मतलब ये इसके फैक्टर हैं तो ये इसका 24 इनों का मल्टीपल हुआ। तो मल्टीपल की अगर हम बात करें, जैसे सपोज हम 6 का टेबल ले लेते हैं, 6 जब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, यहाँ पर इस तरह से आ गया। और हम 6 का लिया, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 12 का ले लेते हैं, 12 का 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, इस तरह से आते रहेंगे। तो इसमें ऐसे नंबर्स हैं कॉमन जो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ 12 इसमें भी आ रहा है, 24 आ रहा है, लेकिन 18 नहीं आ रहा है इसके टेबल में, यहाँ 36 आगे को आएगा, यहाँ पर 36। तो ये कॉमन मल्टीपल हैं, मतलब जो 6 का मल्टीपल है वो 12 का भी मल्टीपल है, मतलब यहाँ पर 12 का तो है ही, 6 का भी है, यहाँ पर 24 6 का भी है और 12 का है, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ, कॉमन मल्टीपल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज करो एक 12 है और एक 18, तो 18 जब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 12 4 = 48, इस तरह से 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 1 = 18, 18 2 = 36, 18 3 = 54, 18 4 = 72। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की, तो मल्टीपल मैंने बताया था कि 12 का मल्टीपल निकालना है तो 12 में मल्टीप्लाई करके जो आएंगे, 18 का मल्टीपल निकालना है तो 18 में मल्टीपल करके आएंगे। अब कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, देखो एक तो यहाँ पर ये 36 है, इसी तरह से इसके बाद आएगा यहाँ पर हो जाएगा 72, तो उसके बाद आया यहाँ पर 72 मल्टीपल, तो यहाँ पर 36 भी मल्टीपल है कॉमन और यहाँ पर 72 भी मल्टीपल है, इसके बाद फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, तो ऐसे ही मल्टीपल आएंगे। लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल क्या है यहाँ पर, छोटा मल्टीपल है 36। जब छोटा मल्टीपल 36 है, इसका मतलब हुआ कि ये लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल है वो 36 है, किसका, 12 और 18 का, तो सबसे छोटा इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, और 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया वो 36। तो ये हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, जिसे शॉर्ट में LCM कहते हैं। तो LCM का बेसिक पता चल जाता है, वो छोटी से छोटे मल्टीपल जो दोनों से, इससे भी और इससे भी डिवाइड हो जाए। जैसे सपोज करो 72 है, 72 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा और 18 से डिवाइड हो जाएगा, आगे को बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर्स आएंगे जो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा जो होगा, जो लीस्ट होगा कॉमन मल्टीपल, वो 36 होगा। 36 से छोटी नंबर जो होगी वो कोई भी ऐसी नंबर नहीं होगी जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटी नंबर है, तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब LCM निकालने का तरीका वो सबको पता है, बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बेसिक्स है ना, हमें आगे की क्लास में हेल्प करते हैं। कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं कि LCM निकालने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सपोज को दो फ्रैक्शन है, 7/ हमने ले लिया 16 और 8/32, तो यहाँ पर इनों का LCM लेना होता है। LCM मतलब जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी। अब 32 है, खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें अलग से LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है, 32 आ गया, इससे इससे डिवाइड करके फिर आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसी तरह से हम LCM निकाल लेते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को इसी तरह से समझना चाहिए कि वो किस तरह से सॉल्व होंगे। आगे के लेक्चर्स में मैं बता दूंगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो
किसमें SCF की ज़रूरत होती है और किसमें LCM की ज़रूरत होती है। तो LCM जैसे सपोज़ करो अगर हमें निकालना है तो निकालना है जैसे अभी 24 का और हम 36 का निकाल लें या 18 का निकाल लेते हैं, 18 का निकालना है तो सबसे पहले 2 से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 9 आएगा। अब ये दोनों 3 से कट जाएंगे तो 3 से यहाँ काट सकते हैं, 3 से हम इसे काटेंगे 2 बार, ये 3 बार। अब SCF निकालना होता तो यहीं रुक जाते, लेकिन इसे जब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 यहीं रहेगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 ऐसे ही ये 1। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई जब तक 1 1 नहीं आ जाता, जब तक मल्टीप्लाई करते हैं मतलब जब तक डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाता, तो यहाँ पर LCM जो होगा वो 2 × 3 × 2 × 3 होगा इस तरह से, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 36 आ गया जो हमारा अभी आंसर आया था। तो ये LCM निकालने का तरीका है। दूसरा, अगर सपोज करो हमसे SCF आता है और LCM नहीं निकल रहा, तो वहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर कर हम LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर रखें। अगर किसी वजह से यहाँ से हमें LCM निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर SCF आ जाएगा। तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF, और अगर SCF निकालना है तो वो होगा LCM अपॉन सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM, इस तरह से आ जाता है। तो ये फ्रैक्शन ये जो है इससे रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और रेशो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, उनके बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे।